नाइन्थ क्लास एक दफा फिर से आपको केमिस्ट्री क्लास टू में वेलकम। चैप्टर नंबर फोर को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने उसको इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर फोर के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। कि आयनिक बॉन्ड किसे कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, उसकी एग्जाम्पल की मदद से NaCl की फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आपने उसको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अब इस आयनिक कंपाउंड NaCl को कैसे बनाया जाता है, आयनिक बॉन्ड किसे कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन बातों को हम थॉरली इस टॉपिक के अंदर आज डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक की जो आउटलाइंस हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आपने इन्हीं हेडिंग्स की मदद से इस टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हमारे पास है द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल मुंतकिल होने की वजह से, मुकम्मल ट्रांसफर होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आयनिक बॉन्ड बनता किन एटम्स की मदद से है, वो कौन से एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, वो कौन से एटम है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको आप एक्सप्लेनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप क्या करेंगे, पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे आपने एग्जांपल के तौर पर ये रिएक्शन लिख देना है कि टू सोडियम एटम व्हेन कंबाइंड विथ क्लोरीन then it form 2NaCl. 2NaCl एक आयनिक कंपाउंड। अब आपने डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन के बाद आपने ये रिएक्शन लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने टॉपिक का जो स्टार्ट में पैराग्राफ है आप उसको डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, हमें भी पता है चैप्टर नंबर थ्री में मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया कि जो पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल के इस तरफ मेटल्स हैं, इस तरफ नॉन मेटल्स हैं, दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब जो मेटल्स हैं मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, वो मेटल्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जबकि इस तरफ 13 to 17 वो नॉन मेटल्स है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमेशा मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और उन दोनों के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड। फिर सुनने बात गौर से, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट मेटल्स है, ग्रुप वन एंड टू ये हमारे पास क्या है, मेटल्स, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। जबकि ग्रुप 15 to 17 ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट मेटल्स है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, ग्रुप 15 to 17 नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस ट्रांसफरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा
उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बात आप लिख देंगे एक्सप्लेनेशन के। फिर आप चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl के। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है इसकी हेडिंग लगा के आप नीचे फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे मतलब ये आपने तारीफ लिखी, रिएक्शन लिखा, एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। क्लोरीन की करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब यहां पे गौर करें कि वेलस शेल और वेलस इलेक्ट्रॉन कौन से। सोडियम के पास ये 3s1, ये 3s1 सोडियम का और क्लोरीन का, ये हमारे पास क्या है वेलस इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी शेल में 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हमें एक बात तो यहीं से ही समझ आ गई, सोडियम के वेलस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन के वेलस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लेगा। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा, इसके लिए आप फिर हेडिंग लगाएंगे के टाइम फॉर्मेशन। आप आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पे जो डिटेल लिखी हुई है आप उनको इस हेडिंग की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं जैसे बुक में मौजूद है, पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब पहला पॉइंट आप सेट करेंगे के टाइम फॉर्मेशन, के टाइम कैसे बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आप नजर आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या करेगा, लूज कर देगा, इसको निकाल देगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पे चार्ज कौन सा आ जाता है, प्लस चार्ज। अब हमारे पास ये सोडियम का केटाइन बन जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, केटाइन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पीछे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 और 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ किसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल कर लिया। मतलब आपने अभी स्टार्ट में भी पढ़ा है कि एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं या फिर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो नोबल गैस है वो स्टेबल है। अब इसने अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया और 10 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया और खुद को क्या कर लिया, स्टेबल। मतलब सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और सोडियम का केटाइन बन जाएगा। फिर आप हेडिंग लगाएंगे एनाइन फॉर्मेशन। तो एनाइन फॉर्मेशन में उसी तरह से जो क्लोरीन है आपकी बुक के अंदर उसने डॉट एंड क्रॉस लगाया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी बुक में उसने डॉट एंड क्रॉस लगाया। मैं इस चीज को डॉट क्रॉस से शो कर देता हूं,
मसलन उन्होंने ऐसे शो किया बुक में कि क्लोरीन जो है इसके वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 17 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो इसके पास टोटल कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहां पे जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये हमारे पास बन जाएगा क्लोराइड आयन, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसमें चार्ज आ जाता है नेगेटिव। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने थे और इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था और वो इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से हासिल कर लिया। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 17 वैसी थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हुए और इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अवेल करते हुए हमारे पास यहां पे अटेन कर ली स्टेबिलिटी और बॉन्ड। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, केटाइन बना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एनायन बना, और यहां तक अब हमारे पास केटाइन फॉर्मेशन और एनायन फॉर्मेशन मुकम्मल हो। फिर आप हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की और वहां पे आप इसी बात को डिटेल में लिखेंगे कि सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सोडियम लूज करेगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसके नतीजे में हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो बन गया। तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी मुकम्मल। फिर आप लास्ट हेडिंग लगाएंगे आयनिक कंपाउंड की, जो कि आपके टॉपिक की लास्ट की 2 लाइंस में मौजूद है, जहां पे वो तारीफ लिख रहा है कि द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, कैसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपने इन आउटलाइंस की मदद से एक्सप्लेन करते हुए इसको लिख दें या फिर जैसे बुक में है पैराग्राफ की शक्ल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस टॉपिक के एंड पे एक टेस्ट फॉर सेल्फ दिया हुआ है, वो आपकी असाइनमेंट है और आप उसको मुकम्मल करके मुझे शेयर करें। तो इस टॉपिक में अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट की शक्ल में या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।